ये है मेरा कॉलेज, मेरे सपनों का गुरुकुल, मेरी ख्वाहिशों का हब। यहाँ के कण कण में बसता तो हूँ पर एक अदाकार के रूप में। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके सामने होती है उसकी ना कीमत होती है ना कोई कद्र। मेरे दमदार हुनर पर ताली बजाने वालों की तादाद तो थी लेकिन सिर्फ दो, और वो भी मेरे करीबी दोस्त जिन्हें मेरे हुनर पर बहुत भरोसा था। लेकिन मेरी रूह तो पूरे जहां की तालियां बटोरना चाहती थी। सांस लेने फिर लगी है यारियां, सर चढ़ी है फिर बड़ी खुमारियां। सांस लेने फिर लगी है यारियां, सर चढ़ी है फिर बड़ी खुमारियां। जिद पे अड़ी है ये फिर यारियां, टूट के बिखर गई है यारियां, टूट के बिखर गई है यारियां। खुशी हो बस मेरी ये दुआ, इन अंधेरों की भी होगी ना सुबह, तेरी हर खुशी हो बस मेरी ये दुआ। मांग ले चाहे जान भी मैं दे दूंगा, आसमां के सितारों को कदमों में रख दूंगा। मुझे मिलने वाली उन तालियों की कीमत अदा की गई थी, और ये सरफिरापन किया था मेरे उन्हीं दो यारों ने जो मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे गुस्सा तो आया लेकिन प्यार वाला। भला ऐसी सरफिरी यारियां आजकल कहाँ मिलती हैं। टूट के निखर गई है यारियां, सर चढ़ी है फिर बड़ी खुमारियां। सांस लेने फिर लगी है यारियां, सर चढ़ी है फिर बड़ी खुमारियां। सांस लेने फिर जिद पे है फिर अड़ी है यारियां, टूट के निखर गई है यारियां। पर चांद और सूरज को भी ग्रहण का इम्तिहान तो देना ही पड़ता है ना। हमारी सरफिरी यारियों पर भी एक ग्रहण लगा था, और ग्रहण कैसा भी हो तकलीफ जरूर देता है। तुम लोगों की ना औकात ही नहीं मुझसे दोस्ती करने की। विजय तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जब धोखा अपनों ने दिया हो तो उंगली दूसरों पे नहीं उठाया करते। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इन सरफिरी यारियों की दिलचस्प कहानी में कहां और कैसे कौन सा नया ट्विस्ट आता है।